उत्तरकाशी में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तत्वाधान में जिला उद्योग केंद्र द्वारा एक्सपोर्टर्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस दौरान उत्तरकाशी जनपद से हस्तशिल्प, एग्रीकल्चर उत्पादों और सेवा के क्षेत्र में निर्यात की संभावनाओं पर चर्चा की गई, जिसके साथ संबंधित स्टेक होल्डर से सुझाव आमंत्रित किए गए। आपको बता दें कि उत्तरकाशी जनपद से अभी ऊनी वस्त्र, राजमा और सेब को निर्यात के लिए प्रोत्साहित करने के लिए चिन्हित किया गया है। वहीं इस बीच ऊनी उद्यमी कमल सिंह नेगी ने कहा कि इस कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य पर्यटन में विकास करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वरोजगार बढ़ाने के लिए सभी पर्यटक और विदेशी नागरिक उत्तरकाशी में आते रहें, इसके लिए चर्चा हो रही है। उत्तरकाशी से संवाददाता दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। यह प्रोग्राम हमने आज जो रखा है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारत सरकार एंड डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड के तत्वाधान में जो हमको एक वाणिज्य सप्ताह मनाया जा रहा है, क्योंकि 75 वर्ष आज़ादी के ऊपर है, तो आज़ादी के महोत्सव रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें आज हमने यहाँ पर प्रोग्राम जो रखा है वो रखा है एक्सपोर्ट का कॉन्क्लेव रखा है। तो हम जनपद में निर्यात की जो संभावनाएं हो सकती हैं, जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं या हमारे MSMEs के प्रोडक्ट्स हैं, हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट्स हैं, इनके निर्यात की क्या संभावनाएं हो सकती हैं, इसके संबंध में चर्चा, विचार विमर्श और सुझाव प्राप्त करने के लिए यह एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव आज रखा गया था, जिसमें कि तमाम एक्सपोर्ट हमारे हैंडीक्राफ्ट से संबंधित लोग, होटल सर्विस सेक्टर से संबंधित लोग और अन्य विभागीय अधिकारी जो संबंधित विकास से संबंधित विभाग अधिकारी हैं वो आज उपस्थित थे और सबके सुझाव आपस में आमंत्रित किए। यहाँ अनेक प्रकार के उद्योगी लोग एकत्रित हुए हैं, हमको हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट से है, तो यहाँ अन्य पर्यटन से भी, आपका कृषि के क्षेत्र में भी और ये आपका फ्यूल, कई विषयों पर चर्चा हुई है, इसमें काफ़ी जानकारी मिली है। इनका मुख्य केंद्रबिंदु यही है कि पर्यटन को कैसा डेवलप किया जाए हमारे जिले उत्तरकाशी में, इसी से संबंधित विषयों पर चर्चा हो रही है। तो इसमें पर्यटन हो या उद्यमी हो, तो सबका यही एक ही उद्देश्य है कि एक तो अपना स्वरोजगार बढ़ाया जाए और अधिक से अधिक बाहर से पर्यटक, ये यात्री और विदेशी हमारे ज़िले में आते रहे, जिससे कि यहाँ का हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। इसी पर चर्चा हो रही है, अच्छी बात है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये समय समय पर ऐसी चर्चाएँ होनी चाहिए, इससे जानकारी भी बढ़ रही है और अन्य क्षेत्रों के बारे में भी रुचि बढ़ रही है। तो यही इसी संबंधित यहाँ पर विचार गोष्ठी हो रही है, अच्छी बात है। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपना, सर मेरा नाम पंडित अशोक सिंघवाल, मैं एक छोटा सा किसान हूँ और यहाँ पर हमारे महाप्रबंधक महोदय, उद्योग विभाग के कर अधिकारी महोदय, जनपद उत्तरकाशी के और टोटल SEC के लोग और पर्यटन से जुड़े पर्यटन अधिकारी महोदय माननीय खत्री जी, उन सबसे और जितने भी हमारे जनपद उत्तरकाशी के उद्यमी भाई बहन हैं, उन सब लोग यहाँ पे आए हैं और उन सब के विचारों से बहुत कुछ सीखने को मिला कि भाई देखिए कि हमको उत्तरकाशी या उत्तराखंड को जो है उद्योग के क्षेत्र में, लघु उद्योग के क्षेत्र में, जो जैसे भेड़ पालन हो गया और अपना राजमा की खेती हो गई, सेब की खेती हो गई, इसको किस तरह से और अधिक बढ़ाया जाए, इसके लिए हमको क्या क्या करना होगा। तो यहाँ पे सारे उद्यमी भाई ने अपने अपने विचार रखे, बहुत अच्छा लगा और ऐसा ही इवेंट्स यहाँ पे होते रहें जिससे हमको अच्छी सीख मिले।